आगामी 48 घंटा मध्य गोटे लघुचाप क्षेत्र में परिणत होवार संभावना रही जोटा कि आम रोच पूर्व केन्द्रीय पार्श्वर्ती जो रोच दक्षिण पूर्व बंगोपसगर ए अंचल गोटे लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होवार संभावना जोटा कि 48 घंटा मध्य द्वितीय कथा होची आमर जो तार जो लघुचाप क्षेत्र में परिणत होगा पर धीरे धीरे कौन हम ना तार जो गतिर दिग पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति कर एवं परवर्ती समय 22 तारीख बेलू जितेबाला यह जो केन्द्रीय बंगोपसगर अंचल रोच पहुँचा बेलू गोटे अवपात बा डिप्रेशन रूप नेबार संभावना रोच जहाँ अनुमान करवर्ती स्थित समय यह गोटे जो पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसगर अंचल गोटे सामुद्रिक झड़ बात्यार रूप नेबार संभावना रोच वर्तमान आम जो आगामी 23 तारीख पर्यंत ओडिशा रे विशेष वर्षार प्रभाव नाही हालुकारु मध्यम धरण वर्षा जो लागी रही सेपरी वर्षा लागी रहिबो एवं गोटे रु दुईटी स्थान जोटा रही वर्षा ता छड़ा आमर जो मत्स्यजीवी मानू 22 तारीख बेलू जोटा कि आम रोच उत्तर जो पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसगर और उत्तर पश्चिम बंगोपसगर यही जो दुई समुद्र अंचल रोच बंगोपसगर से गभीर अंचल को जीवाई संपूर्ण भाव बारण कर गभीर समुद्र को एवं ता सहित जोटा कि आम तार परवर्ती समय रार नजर केते पर्यंत प्रभाव रही है ये जो सिस्टम टी फॉर्मेशन होबार संभावना रही आम निरंतर आम तापर नजर रखीचु आसंता का तार परवर्ती अपडेट या उपर जारी करा जिवो देखो प्रथम तो हूँ आम देखा 22 तारीख में जो अवपात परिणत हो तार परवर्ती समय तार गतिपथ कुआडे रहिबो से विषय आम आकलन वर्तमान सुधा जारी करमर जोटा कि अनुमान कर जोटा कि 22 तारीख परवर्त समय पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसगर अंचल आमर जो बात्यार रूप नब तार परवर्त तीव्रता और जो गतिपथ से विषय भी आकलन कर तेणु तार गतिपथर जो अंचल को रही से ही अनुसार आप तार प्रभाव जना पड़े देखु 23 आप प्रथम देखु आम बर्षार जो रोचे हालुकार मुझे प्रथम कौच आमर जो आकलन परिसरभुक्त रोचे 22 तारीख पर्यटन जारी कर जोटा सका 23 तारीख सका 8:30 पर्यटन रोचे हालुकार मध्यम धरण वर्षा रोक तेणु आपने बुझा कथा स्वाभाविक भाव में के प्रकार वर्षा रोचे और कहार प्रभाव रोच तेणु द्वितीय कथ हूँ जो दिह फिशरमैन आने पश्चिम तट को मुझे कहूँ बात्यार संभावना रोचे जेहतु और जेहतु अवपात भी रोक तेणु निश्चित भाव में पवन बेग जो रोच 45-55 सर्वाधिक 65 किलोमीटर पर्यंत रही है तेणु मत्स्यजीवी मान समुद्र अशांत रोथ मत्स्यजीवी मानू परवर्त तीव्रता विषय में आम कौन आकलन बर्तमान समय जारी कर देखो प्रथम जिनस आपणम ही मुझे चाहती आप बुझा दरकार प्रथम संस्था मॉडल मध्य पार्थक्य कौन भारतीय पापा विभाग भारत पापा विभाग हूँ प्रथम संस्था जे बात्या विषय आकलन जारी कर मॉडल अनुसार कौन आकलन जारी करा जाए द्वितीय जिनस हूँ महावात्या गोटे गुजब थी आपण मैंने भी समस्ते जाथे तृतीय कथ आपणम ही जनसाधारण को जनवाक चाहती अधिक लोक पैनिक करूँ ना कारण बहुत प्रकार कलाबजारी और विभिन्न प्रकार जो असुविधा उपजी थाए अधिक मात्राधिक खबर को प्रचार करने द्वारा बर्तमान आम नजर रखीचु बर्तमान सुधा ता जनापड़ी क्यों उपकूल को मुहैब तेणु निश्चित भाव द्वितीय कथा हूँ आम जो पूर्वर कहूँ 7 दिन पूर्व आकलन करवा विज्ञानसम्मत नुहे आम 18 तारीख में आकलन करुच्छ बर्तमान आप समय भी निजे बुझीपारे यहाँ गुजब थी कि नहीं बर्तमान भी आप कौन अंचल को प्रभाव पकेबार संभावना रोचे उपकूल को ता भी आम बर्तमान भी कहूँ से गोटे गुजब तेणु आप नजर आम भारतीय भारत पापा विभाग काम हो प्रत्येक जो पापा घटना पर नजर रखा से 24 घंटा अफिस् कार्यरत तुसार गुजब बोली कहला देखो जो लघुचाप क्षेत्र जो आप 20 तारीख सृष्टि होता आप रोच दक्षिण पूर्व पार्श्वर्ती पूर्व केन्द्रीय बंगोपसगर अंचल जथेष दूर आमर जो रोच पूर्व उपकूल ठार जथेष दूर तेणु सेत समय कौन उपकूल में प्रभाव रहा मॉडल अनुसार आम आकलन कर मॉडल गुड़िक तथ्य देता है विश्लेषण करापर आम लोक केवल आकलन जारी करना आम सूचना प्रदान करता कौन रिति कौन तार परवर्त तीव्रता कि गति आम सूचना जारी करता केवल आकलन कर घूर्णिबल वर्तमान जोटा कि दक्षिण आंडामान सगर रही है तार तीव्रता मुझे जोटा कहूँ प्रथम सामान्य वृद्धि होती गत काली तुलन में
ଯେଉଁ ଥିଲା 3.1 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ଯେଉଁ ତାର ଥିଲା ଉଚ୍ଚତା ଯେଉଁ ବ୍ୟାପ୍ତି ଆଜି ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଏକତ୍ରୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁ ରହୁଛି ମେଘ କଣ୍ଡିକଣ୍ଡିକର ଯେଉଁ ଏକତ୍ରୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 24 ଭିତରେ ବାତ୍ୟା କୁହାଯାଇନି କିନ୍ତୁ 23-24 ଭିତରେ ବାତ୍ୟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ଆକଳନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଆମର ରହୁଛି ବାତ୍ୟା ଭିତରେ ବାତ୍ୟା ଆଉ ଯେଉଁ ଅବପାତ ଭିତରେ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଜ୍ ରହୁଛି ଡିପ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଗଭୀର ଅବପାତ, ତେଣୁ ତାକୁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ନଜର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୌସୁମୀ ଅପସାରଣ ସାଙ୍ଗରେ ସିଧାସଳଖ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ମୌସୁମୀ ଅପସାରଣ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ତଳ ଭାଗ ଏବଂ ଉପର ଭାଗରେ ଯେଉଁ ରହୁଛି ବାୟୁ ପ୍ରବାହର ତାରତମ୍ୟ ତାହା କମିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଆପଣ ଯଦି ରହୁଛି ଯେଉଁଟାକି ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ତାରତମ୍ୟ ଅଧିକ ଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଲଘୁଚାପ କିମ୍ବା ଅବପାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ତାକୁ ଘନୀଭୂତ ହେବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୌସୁମୀ ଅପସାରଣ ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ତାରତମ୍ୟ କମ୍ ରହୁଛି ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତାକୁ ଆମର ଦେଖାଯାଇଥାଏ କି ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଏଇ ଯେଉଁ ରହୁଛି ମୌସୁମୀ ଅପସାରଣ ହୋଇଗଲେ ଯେ ବାତ୍ୟା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ତାହା ନୁହେଁ, ତାହା ସିଧାସଳଖ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ଆମେ ଦେଉଛୁ ସେଇଟା ସବୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅବପାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ, ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବ ତାହା ବି ଆକଳନ ଜାରି କରିନାହିଁ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁମାନ କରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯାହା ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆକଳନ କରିହେଇପାରୁନାହିଁ, ବାତ୍ୟା ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କିନ୍ତୁ ବାତ୍ୟାର ରୂପରେଖ କ'ଣ ରହିବ, ବାତ୍ୟାର ଗତିପଥ କ'ଣ ରହିବ ଏବଂ ଏହା ଡିପ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ପରିଣତ ହେବ କି ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଆକଳନ କରାଯାଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। 60-65 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହାର ତୀବ୍ରତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି ବୋଲି ଯାହା ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ।